अरे नितिन नहीं आया यार अभी। नितिन नितिन नहीं, नितिन ज्वाइन हो रहे हैं, हो रहे हैं। नितिन जी ज्वाइन हो। कमलेश सर, कमलेश सर, कमलेश सर, आवाज आ रही है क्या? छह हो गए ना टोटल। और भी कोई आने वाला है? नहीं, इतना ही है। हाँ आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, आ रही है सर, आपकी आ रही है। सब इतना की टाइम आवाज आ लिया? रही है ना, मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, आप स्टार्ट कीजिए अब। ओके चलिए ठीक। तो फिलहाल हम लोग अभी रिकॉर्डिंग में, मैंने वीडियो ये भी डाल दिया हूँ वैसे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, बेसिक कमांड से स्टार्ट करेंगे, जैसे टर्मिनल, एक टाइम में टर्मिनल ओपन कैसे करते हैं, है कि नहीं? सब कुछ आपको बताऊंगा मैं फिलहाल। अभी एक चीज, एक वीडियो आपको मैंने लिंक शेयर करता हूँ मैं, वेट करिए जरा। पीडीएफ शो हो रही है? हेलो, यस, ओके। तो सबसे पहले कि हम लोग बात करते हैं कि अगर आप लाइनेक्स ओएस इंस्टॉल कर लेते हो, तो लाइन अगर आप क्लास कंटिन्यू करेंगे तो मैं सारा इंस्टॉलेशन पार्ट सब कुछ बताऊंगा शुरू से। बट लेकिन आप लाइनेक्स इंस्टॉल कर लेते हैं आप, तो कैसा उसका पहले ओएस कैसा होता है, 7 का और 8 का वो बताता हूँ आपको, ठीक है? पहले तो ये आपने 7 का तो देख ही लिया होगा आपने कि अगर इंस्टॉल करते हैं तो आपका ऐसे फॉर्म में आता है आपका, है कि नहीं? 7 का, ये 7 है आपका, देख रहे हैं स्क्रीन, दिख रही है आप लोगों को? हेलो, यस, हाँ। तो आप ये कंटिन्यू कीजिए। जी, ये क्या है, 7 है, रेड हैट 7.0, 7.3 है इसका भी, 7.3, 7.4, 7.5 ऐसे करके वर्जन होता है 7 में भी, ठीक है? बट 7 से 0 जितने वर्जन होते हैं सारे सेम होते हैं, कोई इसमें कोई फर्क नहीं होता। अगर 8 की बात करता हूं तो 8 अगर आप इंस्टॉलेशन कर लेते हैं आप लाइनेक्स में, मतलब अपने लैपटॉप वगैरह में, तो आपका उसका कैसा दिखता है वो बताता हूँ आपको। तो ये आपका क्या हो गया, 8 वर्जन हो गया। ये अभी लॉगिन हो रहा है, चलिए कोई नहीं, फिलहाल लॉग इन हो रहा है जब तक मैं आप लोगों को बताया था कुछ। अब देखिए ये, अब ये यास, क्या किसका नाम है, आनंद जी? हाँ, यस, हमारी टीम के हैं। अच्छा, फिर ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ये वर्क वर्क स्पेस है। तो वर्क स्पेस का पहले काम होता है कि वर्क स्पेस होता है क्या है लाइनेज के अंदर। अब हम लोग क्यों, आवाज आ रही है ना सबको, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, ठीक है, ओके। ये क्या होता है, वर्क स्पेस होता है क्या है कि वर्क स्पेस हम लोग क्यों यूज करते हैं। अब देखिए, मैं सपोज कि मैं अगर यहाँ पे लाइनेक्स 7 में जाता हूँ यदि, तो ये देखिए मेरा, अगर जैसे जैसे मैं यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे गया,
अब देखिए ये वर्क स्पेस होता क्या, मैंने सपोज मैंने इसमें एक टर्मिनल ओपन कर लिया, ठीक है, ये और स्क्रीन शो हो रही है ना? Yes, हाँ जी आ रही है, जब हाँ, नहीं आएगी तो हम बोल देंगे आप लोग। जी 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 ठीक है। तो मैंने F1 करके मैंने कोई फाइल बनाया, ठीक है, वर्क स्पेस। तो कहने का मतलब ये कि एक टाइम में आप मल्टीपल वर्क स्पेस पे काम कर सकते हैं एज अ, मतलब कि जैसे क्या होता है कि आप विंडोज पे क्या होता है कि हम लोग अगर मल्टीपल एक डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे काम करने के लिए क्या होता है कि रिमोटली लेते हैं या रिमोटली लेकर के करते हैं, है कि नहीं, या कोई सॉफ्टवेयर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से रिमोटली लेकर के चार पांच बंदे वो क्या करते हैं वो विंडोज को एक्सेस करके देन कर लेते हैं। बट लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा अगर एक बार में मैं मल्टीपल काम करूँ, चार पांच डेस्कटॉप आइकन खोल दूँ और मेरा काम होता रहे, ऐसा नहीं कि मतलब बंद हो जाए। अगर मान के देखिए मैंने दो वर्क स्पेस में आ गया, अब मैं कुछ और इसमें कुछ और टाइप कर रहा हूँ, सपोज मैंने इसमें कुछ और टाइप कर रहा हूँ, तो ये मेरा क्या है कि वर्क स्पेस हो गया मेरा, ये क्या होता है टर्मिनल ओपन कर दिया मैंने, तीन चार टर्मिनल ओपन कर दिया मैंने, ये सारे मेरा क्या हो गया टर्मिनल हो गया मेरा। अब देखिए दोपहर हो गया, मेरा कहना मतलब कि एक टाइम में आप मल्टीपल वर्क स्पेस में जा करके आप काम कर सकते हैं, राइट। अब देखिए इसका अब एक चीज बताता हूँ, टर्मिनल। अब देखिए टर्मिनल होता क्या है और टर्मिनल यूज करते हैं क्या हम लोग, जैसे विंडोज में आप लोग यदि आप लोग कंपनी में यदि काम कर रहे हैं यदि आप लोग, तो क्या होता है कि कंपनी में जैसे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, ठीक है, तो जस्ट लाइक आप समझिए कि कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के लिए जैसे जस्ट लाइक इस यहाँ पे समझिए कि जस्ट ये भी प्रॉम्प्ट होता है लाइनेज के अंदर, आप टर्मिनल ये जस्ट लाइक प्रॉम्प्ट होती है कि कमांड प्रॉम्प्ट होती है कि कोई भी कमांड कुछ भी लिखना है, कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना है, आपको कोई भी कमांड रन करना है, तो आप टर्मिनल की अकॉर्डिंग करोगे आप लोग, ठीक है, कोई भी कुछ भी करना है एनी हाउ, क्योंकि आपका इसमें तो कोई ग्राफिकली चलता नहीं है, सारे अकॉर्डिंग करना है तो टर्मिनल। ऐसा समझिए कि आप जैसे विंडोज के अंदर जो कमांड बेस्ड काम करते हैं टोटली आपकी टर्मिनल के अकॉर्डिंग काम करते हैं, टर्मिनल पे आप काम करेंगे। सपोज मैंने कोई अगर मैंने कंट्रोल शिफ्ट टी करके मैंने एक दूसरे का टर्मिनल ओपन कर लिया, इसकी कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट टी, मतलब एक बार में मल्टीपल आपने ने टर्मिनल ओपन कर लोगे आप और इसमें काम कर। मैंने कुछ और टाइप के मैंने जैसे सपोज MKDR करके मैंने कोई डायरेक्टरी बना रहा हूँ, सपोज मैंने गेम करके एक डायरेक्टरी बना ली, फोल्डर बना लिया, सपोज ये नहीं बना क्योंकि ये क्या है अभी सुपर यूजर नहीं है ये, तो देखिए मैंने ये अभी इस पे जाता हूँ मैं, सपोज मेरे MKDR बनी करके गेम करके मैंने इस पे एक डायरेक्टरी बना दिया, LH करके देखेंगे तो आपका गेम नाम का एक फोल्डर आ जाएगा, राइट। तो इसके अंदर क्या है कि गेम नाम का फोल्डर, क्योंकि आप एक बार में मल्टीपल टर्मिनल मैंने अगर एक बार में जैसे एक मल्टीपल पे ये कमांड मैंने टाइप कर लिया, अब मैं चाहता हूँ कि इस टर्मिनल पे मैं कुछ और टाइप करूँ, क्योंकि मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा है ना कि एक बार में मैं स्क्रिप्टिंग रनिंग कर रहा हूँ मैं या कोई भी काम कर रहा हूँ एक टर्मिनल पे, तो हो सकता है कि आपका पूरा कन्फ्यूजन हो जाए, मतलब ज्यादा यूटिलाइज ना हो, तो फिर दूसरे के टर्मिनल पे आ जाऊँ, बट वो काम होता रहेगा, ऐसा नहीं कि आपका बंद हो गया। मैं भी अगर टच करके मैंने जैसे G1 जाए F1 करके मैंने कोई फाइल बना लिया तो ये आपका फाइल दिख जाएगा F1 नाम के, ये मेरा फाइल डट के कुछ भी आप कर सकते हो, जैसे फाइल टच करके मैं फाइल 1.txt करके मैंने फाइल बना दिया, मैंने ये क्या कर रहा ये आपका फाइल 1.txt नाम का आपका फाइल बन गया, ये डैट इज अ फाइल, जैसे फाइल मीन्स कि आपकी वर्ड एक्सेल की फाइल होती है ना आपकी वैसी फाइल, जैसे आपकी टेक्स्ट फाइल हो गई, डॉक्स फाइल हो गई, आप ऐसे क्रिएट करते हैं, टच कमांड ये करता है कि फाइलों को क्रिएट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये अगर मान के चलिए कि मैंने जैसे एक बार में अगर मैंने मैंने क्या कर दिया, सपोज मैंने यहाँ पे मैंने ये क्या कर रहा हूँ, मैं टर्मिनल को इंक्रीज कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस की साइन आप दोगे आप लोग तो क्या होगा टर्मिनल की साइज आपकी इंक्रीज होगी। जैसे अब मैं क्या करूंगा कंट्रोल मैनेज करूंगा तो देखिए ये साइज इंक्रीज हो रहा है ना, कितनी छोटी हो गई कि नहीं, तो देखिए ये अब देखिए ये बढ़ते जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है कि आपको टर्मिनल की साइज आपको बढ़ाना घटाना आप लोग कर सकते हो। अब देखिए टर्मिनल कितने टाइप्स के होते हैं,
जरा देखते हैं हम लोग। टू टाइप्स के टर्मिनल होते हैं, टू टाइप्स ऑफ टर्मिनल होते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट में क्या होता है आपका, फर्स्ट में क्या होता है कि आपका एक होता है आपका फिजिकल टर्मिनल, क्या होता है फिजिकल, फिजिकल टर्मिनल होता है। सेकेंड में आपका क्या क्या होता है, सेकेंड में आपका होता है तो वर्चुअल होता है, वर्चुअल। अब ये थोड़ा ध्यान से समझिए कि देखिए मैंने एक ये आप लोग ने जैसे मैंने अभी ओपन किया हूं, इसको बोलते हैं जीवाई मोड बोलते हैं, जो अभी जीवाई मोड आपने लाइनेस की वो ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन किया है, ठीक है, ये सारे जीवाई बेस होते हैं। अब मैं देखता हूं, अब देखिए इसमें क्या होता है, टीटीवाई का कंसेप्ट चलता है। तो फिजिकल टर्मिनल की बात करता हूं तो टोटल फिजिकल टर्मिनल आपका, फिजिकल टर्मिनल टोटल आपका जो होता है आपकी टोटल सिक्स होते हैं आपका। ये आपका F1 से F1 टू F6 F7 तक भी जाता है, F6 तक भी जाता है, मतलब आप 6 और F7 तक आप समझिए, इतना तक फिजिकल टर्मिनल पे आपका काम करता है। बेसिकली हम लोग फिजिकल टर्मिनल पे काम कैसे होता है और कैसी ओपन होती है वो समझते हैं पहले, चलिए। तो मैं अगर मैंने क्या करता हूं, कंट्रोल ऑल्ट मैं F2 कर रहा हूं मैं, तो देखिए ये क्या हो गया आपका, पहले जो मैंने टर्मिनल ओपन किया था वो आपका जीवाई मोड था, ये क्या हो गया आपका सीवाई मोड आपने ओपन कर लिया। अब देखिए आपने एक बार में, मतलब मैंने देखिए मैंने जैसे मैंने रूट यूजर से मैंने लॉगिन कर रहा हूं, रूट यूजर से मैंने लॉगिन किया तो मैं क्या आ गया सुपर यूजर पे आ गया, तो कुछ भी मैं आप फाइल बना सकता हूं टच करके। मैंने सपोज मैंने गुप्ता नाम के कोई फोल्डर मैंने क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है, कुछ भी मैं कर रहा हूं। जैसे मैंने MKDR करके मैंने राम नाम के फोल्डर बना दिया मैंने, तो देखिए एक बार में मैंने मल्टीपल काम कर रहा हूं। तो अब देखिए मैंने CH, मैंने क्या करूं CHVT, ठीक है, उसके बाद हाइफन RVF, ठीक है, और मैंने एक मिनट मैंने कोई मैंने फाइल कॉपी करूं जैसे CP ETC, ठीक है, उसके बाद हाइफन RVF, एक मिनट मैंने कॉपी जैसे CP किया मैंने, ठीक है, /ETC किया मैंने, उसके बाद मैंने क्या किया डॉट लगाया हाइपन RBF लगाया मैंने, तो मैंने कुछ भी अगर कॉपी करूं तो ओवरराइट कर रहा है। तो मतलब एक जैसे मैंने एक टर्मिनल पे कुछ भी टाइप किया मैंने सपोज, अब मैं क्या कर रहा हूं कंट्रोल ऑल्ट मैंने F2 कर रहा हूं मैं, कंट्रोल ऑल्ट F3, तो देखिए तीसरा टर्मिनल पे आ गया मैं। तो इस पे भी आप काम कर सकते हैं, रूट करके मैंने क्या किया मैंने पासवर्ड दिया रेड हैट, मैं सुपर यूजर पे आ गया, तो इसमें भी कुछ भी कमांड लिखो आप जैसे TTY। ये क्या होती है ना जितने CY मोड पे आप ओपन करते हैं आप लोग, तो क्या होते हैं ये TTY मोड बोलते हैं। TTY का फुल फॉर्म क्या होता है आपका टर्मिनल टाइप बोलते हैं इसको, टर्मिनल टाइप। अब देखिए मैंने उसमें तो काम किया था तो कंट्रोल ऑल्ट मैंने क्या कर रहा हूँ F2 किया मैंने, तो देखिए ये इसमें भी मेरा काम चल रहा है मेरा, सपोज मानी चलिए मेरा ये काम चल रहा है फिलहाल, एक बात कह रहा हूँ मैं, मैंने कुछ टाइप किया इसमें भी मेरा काम चल रहा है, और कंट्रोल ऑल्ट मैंने F3 किया तो इसमें भी काम चल रहा है, मतलब एक बार में मल्टीपल F6 तक आप काम कर सकते हैं आप। ये CY मोड की बात कर रहा हूं मैं आपसे, फिजिकल टर्मिनल ये होता है आपका, ये सारे जो होते हैं फिजिकल टर्मिनल होते हैं सारे। और ये जैसे आप कंट्रोल ऑल्ट मैंने F1, अभी कहां पे आ गया मैं GY मोड पे आ गया, क्योंकि GY मोड पे मैंने वो था आपका CY मोड, ये था आपका GY मोड। कंट्रोल ऑल्ट F1 करेंगे आप तो GY मोड में आ जाएंगे, ठीक है, जो कि वर्क स्पेस के यहाँ पे क्या था कि आप वर्क
सपोज यहाँ पे वर्क स्पेस के अकॉर्डिंग में काम करता था यहाँ पे क्लिक करके, है ना, और वहां पे क्या था, आप कमांड से ओपन कर दे कंट्रोल ऑल्ट F1 F2 F3 F4 F5 F6 करके आप, मतलब आप CY मोड ओपन करते हैं उस बेस पे, समझ रहे, तो वो आ गया T2I मोड। अब देखिए फिजिकल टर्मिनल समझ आ गए, कोई इसमें क्वेश्चन है आप लोगों का? हेलो हेलो गाइस, नो नो नो, चलिए ठीक है। तो इसमें आपका CY मोड, अब देखिए मैं अगर सपोज मैं ये क्या करते हैं TTY मैं इस पे टाइप कर रहा हूं, तो इसको क्या बोलते हैं, जैसे मैं वर्चुअल टर्मिनल की बात कर रहा हूँ, फिजिकल टर्मिनल आप समझ गए आप लोग, अब वर्चुअल टर्मिनल की बात करते हैं, वर्चुअल टर्मिनल होता क्या है, तो वर्चुअल टर्मिनल क्या होता है, ये PTS होता है, ये PTS से डिनोट होता है, ये अगर TTY कमांड चला है, TTY एक कमांड है जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि फिजिकल टर्मिनल है कि मेरा वर्चुअल टर्मिनल है, समझ रहे हैं। तो आप उसमें जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट F2 किया, तो यहाँ पे अगर मैंने सपोज मैंने क्या करूँ TTY कमांड लिख रहा हूँ, तो देखिए यहाँ मैं TTY2 यहाँ पे क्या लिखा रहा है कि आपने TTY2 ओपन किया है, तो यहाँ पे जो आप CY मोड पे यदि ओपन करते तो आप लोग डिनोट आप देखोगे कि TTY से आप डिनोट कर सकते हैं और TTY से पहचानेंगे कि आपने CY मोड ओपन किया है। जैसे ये कंट्रोल ऑल्ट F1 किया, ये जैसे आपने TTY आपने ओपन आपने किया टाइप किया, तो जैसे यहाँ पे PTS यदि आ रहा है तो आप इसको क्या बोलोगे, वर्चुअल टर्मिनल। अब पहचानने का तरीका कि फिजिकल टर्मिनल है मेरा कि यानी कि वर्चुअल टर्मिनल है, आप दोनों आप पहचान सकते हो, क्योंकि पहचानने के लिए तो पता होना चाहिए ना कि मेरा फिजिकल टर्मिनल है कि वर्चुअल टर्मिनल है, राइट। तो ये हो गया आपका फिजिकल और टर्मिनल की कंसेप्ट। अब देखिए अब एक चीज और बताता हूं आप लोगों को कि बेस एक क्या होता है ना, एक बेस होता है, तो इसकी जो फुल फॉर्म होता है इसकी बोर्न अगेन सेल होता है ये, ठीक है, बोर्न अगेन सेल होता है ये। देखिए मतलब बेस सेल मतलब कि कौन सी सेल पे आप काम कर रहे हो, आप कैसे, अब सो डायट्री अगर बीन बेस मेरा डायट्री है, अब आप मतलब जब पढ़ाऊंगा ना चैप्टर 5 चैप्टर 6 में आप जाओगे आप लोग, तो उसमें आप पहचानोगे आप लोग कैसे बीन बेस डायट्री पहचाना जाता है, आप लोगों को मैं सिखाऊंगा उसमें, ठीक है, बट अभी फिलहाल अभी आप ऐसे ही आप समझे आप लोग, ठीक है। अब देखिए मैंने इको किया, मैंने सपोज मैंने क्या किया, मैंने इको किया और डॉलर की साइन में दे रहा हूं, तो ये क्या कर रहा हूं सेल में लिख रहा हूं मैं। अब देखिए मेरा क्या है, ये मैं अभी कहाँ काम कर रहा हूँ, बीन बेस मेरा डायट्री है, बीन नाम का क्या है मेरा डायट्री है और बेस मेरा क्या है बेस है, तो बीन की डायट्री में पे काम कर रहा हूँ अभी, मतलब ये कमांड होती कभी भी कैप्स में चलती है कि आप पहचान सकते हैं कि मेरा बीन बेस डायट्री है कि मेरा सेल कौन सी आप पहचान सकते हैं। तो इको कमांड क्या करते हैं, कोई कमांड को प्रिंट करने के लिए यूज होता है इको कमांड, ठीक है। अब देखिए मैं सपोज मैंने एक और कमांड बताता हूं मैं आप लोगों को, जैसे मैंने क्या किया सपोज बेस लिखा मैंने, ये भी कैप्स में चलेगा नॉट स्मॉल में, तो अब देखिए मैंने USR बीन के बेस में मैंने ये बेस जो है फोल्डर, तो मेरा USR के अंदर /USR बीन के अंदर बेस के अंदर से मेरा ये क्या आ रहा है फोल्डर आ रहा है, तो आप पहचान सकते हैं कि मेरे कहां से फाइल आ रहा है, कौन सी बेस है कौन सी सेल है, आप पहचान सकते हैं कि कौन सी डायरेक्टरी कहाँ से आ रही है, आप ये पाथ भी देख सकते हैं कि मेरी कहाँ से पाथ आ रही है और ये डायरेक्टरी भी देख सकते हैं आप कहाँ से मेरी डायरेक्टरी आ सकती है, ठीक है। अब देखिए ये जो एक SU जो कमांड होती है हाइपन अगर आप देते हैं तो ये क्या होता है ना बाई डिफॉल्ट आप सुपर यूजर में आ जाता है, जैसे सपोज आप विंडोज के अंदर आप लोग काम करे होंगे कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है बिल्ट एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, ये मेन होता है ना कि जैसे सुपर राजा जैसे घर के जो राजे होते हैं ना कि मैं घर का ये राजा हूं मैं, तो ये इसमें क्या होता है ना रूट जो यूजर होता है ना लाइनेक्स प्लेटफॉर्म में ये रूट यूजर जो होते हैं ये आपका समझो कि राजा हो गया, ये सुपर यूजर इसको माना जाता है कि कोई भी आप कमांड हर एक परमिशन आपका होता है, जैसे
विंडोज के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर का परमिशन होता है, क्योंकि उसमें भी स्टैंडर्ड यूजर होता है और बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो जिसमें जितना परमिशन आपका एडमिनिस्ट्रेटर यूजर में होता है, बट स्टैंडर्ड यूजर में आपका विंडोज के अंदर नहीं होता है कि नहीं? तो आपको ये बात आप समझे, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट है आप लोगों के लिए गाइस? अब देखिए मैंने अब हो? मैं हेलो हाजी हाँ एक बार आप जैसे TTY बता रहे थे कि TTY करने पे PST आ जाता है, तो वो वर्चुअल टर्मिनल है, लेकिन फिजिकल टर्मिनल को अगर देखना हो कमांड के थ्रू TTY कमांड होती है, वहाँ भी TTY कमांड होती है, बट वहाँ पे आपको फिजिकल टर्मिनल से एक तो CY मोड ओपन कर लगे, तो जैसे ही आप देख खुल जाएगा। हेलो हाँ जी हाँ बताइए। मैं हाँ इनका मैं आंसर दे रहा था कमलेश जी का ना, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप हाँ जी हाँ जी बताएं बताइए बताइए हेलो हेलो आनंद जी हाँ जी हाँ जी आवाज आ रही है? हाँ मुझे आ रही है। आई थिंक कमलेश सर का कुछ नेटवर्क में इश्यू है। अच्छा अच्छा हाँ तो हो सकता है उनका इंटरनेट का इशू हो सकता है, उनका ना क्वेश्चन था तो मैं थोड़ा आ रहा है तो उनको मैं बता हाँ, कोई नहीं कोई नहीं हाँ बताइए हाँ, बताइए उनका क्वेश्चन था ना तो मैं हाँ। पूछना चाह रहा था। हेलो हाँ कमलेश जी हाँ आवाज नहीं आ रही थी, अभी आ रही है। हाँ मैं दोबारा आपको समझाता हूँ, आपने क्वेश्चन आपने पूछा था वो आपने हाँ बट आवाज कट गई थी मेरे हाँ को। जी मैं दोबारा आपको बताता हूँ। देखिए होता क्या है कि जैसे मैंने कंट्रोल ऑल्ट मैंने F2 किया मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे आप TTY कमांड होती है ये, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या होता है ना कि इसके अंदर TTY कमांड होती है। TTY कमांड से आप एक तो आपने CY मोड ओपन कर दिया, तो जैसे ही आप पहचान लो कि फिजिकल टर्मिनल पे मैंने ओपन कर रहा हूँ, आप फिजिकल टर्मिनल पे काम कर रहा हूँ, पहला कंसेप्ट। दूसरा का कंसेप्ट अगर पहचाना कि मेरे फिजिकल टर्मिनल है, तो TTY एक कमांड होती है, TTY कमांड से आप पहचान सकते हैं कि मेरा ये क्या है फिजिकल टर्मिनल है। तो F6 तक आपका कमांड चलती है, आपको सारा लिखाऊंगा मैं, ठीक है, बट अभी फिलहाल आप समझिए ऐसे ये। तो ये TTY कमांड से पहचानेंगे कि मेरा फिजिकल टर्मिनल है। तो अब जैसे TTY आप करेंगे ना कि मेरा फिजिकल क्या है, TTY2 मेरा फिजिकल टर्मिनल है, क्योंकि मैंने और भी फिजिकल TTY2 इसलिए डिनोट कर रहा है वहां पे क्योंकि मैंने दो मैंने फिजिकल टर्मिनल ओपन किया था, इसीलिए वहां पे TTY2 दिखा रहा है वहां पे। TTY एक कमांड है आपको पहचानने के लिए, समझ आ गया? ठीक है ठीक अब देखिए मैंने सपोज कि आप जैसे ये कह रहे हैं ना कि मेरा कि यहाँ पे कैसे PTS कैसे पहचानेंगे, अब यहाँ पे मैंने TTY लिखा मैंने, तो ये क्या है आपका ये वर्चुअल टर्मिनल बोलते हैं, जैसे इसको PTS का जो फुल फॉर्म होता है आपका सुडो टर्मिनल स्लैब होता है, जिसके अकॉर्डिंग आप वर्चुअल टर्मिनल को आप पहचान सकते हैं, ठीक है कमलेश जी? हाँ जी हाँ जी ठीक है डाउट क्लियर हो गया आपका? ठीक है ओके तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कमांड की बात करते हैं। तो जैसे एस मैंने सपोज मैंने क्या किया, यूजर ऐड करके मैंने आनंद जी का मैंने एक यूजर नाम बना दिया मैंने, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ पासवर्ड दे रहा हूँ, ठीक है आनंद, ठीक है, तो मैं इसका पासवर्ड असाइन कर रहा हूँ यहाँ पे पासवर्ड दे रहा हूँ, राइट। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं आनंद जी का नाम के यूजर से मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज अभी 10 मिनट के बाद लेफ्ट होगा, मैं दोबारा लिंक शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। हेलो आनंद जी हेलो हाँ हाँ ओके ओके इसी हाँ, इसी लिंक पे कनेक्ट कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं कोई नहीं, बट मैं इसी लिंक पे कनेक्ट कर लेंगे। हाँ कर सकते हैं आप लोग कोई नहीं, ठीक है इसी पे कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना? हाँ ठीक है ओके। चलिए तो ये रूट एट लोकल होस्ट हो गया, तो क्या हो गया कि मैंने सपोज मैंने क्या किया आनंद का नाम का मैंने क्या एक मैंने क्या किया मैंने मैंने क्या किया आनंद जी का नाम के क्या किया मैंने कि एक यूजर बनाया था, ठीक है, और इस यूजर से मैंने लॉगिन किया, तो अभी कहां पे आ गया मैं इस यूजर के अंदर। बट अगर मैं सपोज मैं कोई डायरेक्टरी बनाता हूं
mkdir करता हूं मैं, सपोज मैंने t1 किया, तो देखिए अभी तो मेरा कोई फोल्डर बनना है, अगर मैं एक टाइम में मल्टीपल मुझे फोल्डर बनाना है t1 t2 t3 t4 t5 t6, मेरे मल्टीपल फोल्डर का नाम मैंने दे दिया, तो देखिए ये क्या बन रहा है, क्या मेरा फोल्डर बन नहीं बन रहा है ना, तो देखिए ये क्या होता है ना, अनंत नाम के फोल्डर है, इसमें क्या होता है कि सूडो का परमिशन नहीं होता है, जबकि आप लिनक्स इंस्टॉलेशन की पार्ट अब जब कराऊंगा मैं, तो उसमें क्या होता है कि आपकी सूडो की परमिशन देना होता है, और उसके अंदर क्या लिखना होता है, सूडो कमांड लिखना होता है, और देन इसमें सिंटेक्स यूज करना होता है, तब आप यूज करोगे। बट ये मैंने अभी ये नहीं साहब, देखिए ये नहीं बनेगा, क्यों इसलिए क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि आनंद नाम का जो यूजर है इस पे मैंने सूडो का परमिशन नहीं दिया था, इसलिए आपका कोई मल्टीपल फोल्डर आप बना नहीं सकते एक टाइम में आप, क्योंकि एज अ ये समझिए कि जो स्टैंडर्ड यूजर होता है ना विंडोज के अंदर, समझिए कि मैंने एक स्टैंडर्ड यूजर, इसमें क्या होता है परमिशन असाइन करना पड़ता है, एक आप जैसे आप इंस्टॉल करते हैं लिनक्स के अंदर तो उस टाइम में भी आप सूडो की परमिशन दे सकते हैं, बट एक यूजर का परमिशन दे सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ मल्टीपल यूजर को सूडो का परमिशन दूं, तो आप ग्राफिकली दे सकते हैं, बट वो आप सीखेंगे, आप 6 चैप्टर में सीखेंगे आप सूडो की परमिशन, फिलहाल आप ऐसे ही समझिए कि सूडो की परमिशन दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं आप, डोंट वरी, ठीक है। अब देखिए मैंने सपोज मुझे क्या करना है कि मैंने मुझे अभी सपोज मुझे पता नहीं है कि मैं कौन सी यूजर पे काम कर रहा हूँ, मैं मुझे तो पता ही नहीं है कि कौन सी यूजर पे काम कर रहा हूँ, तो अभी कौन सी यूजर पे काम करूँ, रूट यूजर पे काम, सुपर यूजर पे काम कर रहा हूँ मैं, अब मुझे पता नहीं है कि मैं कौन सी यूजर पे काम कर रहा हूँ, मैं भूल गया, मैं सपोज मैंने यूजर का नाम भूल गया कि मैं कौन सी यूजर पे काम कर रहा हूँ, तो हु एम आई, आनंद करके मैंने क्या किया, मैंने देखो यूजर का नाम भी दे रहा है कि भाई नहीं मैंने तो आनंद नाम के यूजर से क्रिएट मैंने लॉग इन किया हूँ मैं, तो मेरा नाम क्या आ रहा है, आनंद नाम आ रहा है, क्योंकि मैं आनंद नाम के यूजर से लॉग इन किया हूँ, तो हु एम आई का एक कमांड होती है जिसके आप मतलब यूजर को पहचान सकते हैं कि कौन सी मैंने कहाँ पे काम कर रहा हूँ, कौन सी यूजर पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब ये हम लोग समझते हैं नेक्स्ट। अब देखिए मैंने क्या किया, सपोज डेट करके मैंने कमांड चलाया, तो अभी मेरा फिलहाल डेट कितना दिखा रहा है, ये मेरा 8:00 मेरा 20:00 मतलब 29:12 2020 अप्रैल 29 तारीख दिखा रहा है, तो मतलब देखिए डेट ये शो करने के लिए होता है कमांड। अगर मैं चाहता हूँ कि सिंटेक्स यूज करूँ मैं, तो देखिए लिनक्स के अंदर ना कुछ रटना नहीं है, लिनक्स के अंदर हर एक कमांड का यूज होता है, आप इतना समझे कि कोई बोलता है ना कि लिनक्स टफ होता है, ये जो भी होता है डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे, और दूसरी बात कि कितने प्रैक्टिस कर रहे हो और आप कितने लॉजिक समझते हैं कि वो लॉजिक कितने गेन कर रहे हैं अपने माइंड में, उस पर आपको डिपेंड पड़ता है। तो देखिए मैंने क्या कर रहा हूँ, मैंने हेल्प लिखा मैंने, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने ये हेल्प लिखा, तो मैंने इसमें सिंटेक्स यूज करना बताता हूँ आपको। तो देखिए अगर मुझे परसेंटेज अगर आर लगाना है मेरे को, तो मैं चाहता हूँ कि मैं 12 आवर्स में अपना टाइम देखना चाहता हूँ, मैं सपोज 12 आवर्स मेरा टाइम शो करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को अगर 20 बज रहा है तो मेरे को एग्जैक्ट टाइम पता ही नहीं लग रहा है कि भाई 20 क्या होता है, मेरे को पता ही नहीं है क्या होता है सपोज, ठीक है। तो मैंने क्या क्या लिखा, मैंने डेट कमांड लिखा और प्लस की साइन दिया मैंने, और यहाँ पे क्या लिखा, परसेंट आर लिखा मैंने, एक मिनट यहाँ पे, ओके ठीक है। अब चलिए और मैंने यहाँ पे क्या 12 आवर्स में दिखा रहा हूँ मैं, अब यहाँ पे कैप्स में आर दे रहा हूँ मैं। तो देखिए ये क्या है आपका 12 आवर्स में मेरा टाइम शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है आपका 24 आवर्स में टाइम शो कर रहा है। तो सिर्फ ओनली टाइम देखने के लिए सिंटेक्स यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। एक बार में मैं अगर यूज करता हूँ एक्स, कैपिटल एक्स, अब मेरे को ओनली आप तो शो डेट, मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरे को टाइम शो नहीं करना है भाई, मेरे को डेट शो करके बताओ लिनक्स के अंदर डेट अभी क्या हो रही है, उतना लंबा चौड़ा क्यों जाऊं मैं। तो मैं देखो अभी क्या मेरा दिख रही है, अभी डेट यहाँ पे मेरा एक्स से क्या हो रही है, अभी टाइम पूरा होल टू होल दिखा रहा है। अभी मैं एक एक स्मॉल में एक्स देता हूँ, ये कैपिटल एक्स था, ये स्मॉल में देता हूँ। तो देखिए मेरा अभी क्या दिखा रहा है, अभी डे मतलब डे भी दिखा रहा है और तारीख भी दिखा रहा है आपका, ये तो डेट इज
सिंटेक्स यूज कर सकते हैं आप, बट जरूरी नहीं है आप सिंटेक्स ऐसे भी आप रटना नहीं है आपको सिंटेक्स, आपको सिंटेक्स रटना नहीं है। देखिए मतलब सारा सिंटेक्स आपको पढ़ाया मैंने, तो देखिए सारा सिंटेक्स आपको दिया है। अभी बताया था कैप स्मॉल आर में, बताया था कैप्स आर में, बताया था स्मॉल एस में, बताया था टी में, ये सारे देखिए अभी सारे सिंटेक्स दे रहे हैं, तो आप मल्टीपल सिंटेक्स यूज करके पढ़ सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कोई क्वेश्चन है? हेलो गाइस, नो ओके। अब मैं क्या करता हूँ, फाइल वन डॉट टी एस टी नाम के मैंने क्या किया, फाइल बनाया। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने कोई फाइल डॉट, जैसे नोट पैड आप खोलते हो आप लोग तो टेक्स्ट डॉट डॉक्यूमेंट करके आता है कि नहीं विंडोज के अंदर, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी फाइल वन डॉट टी एस टी मेरी कौन सी फॉर्मेट में मेरा फाइल है, तो फाइल कमांड ऐसी फाइल है कि आप फाइल को फॉर्मेट आप चेक कर सकते हैं आप, जैसे फाइल वन डॉट टी एस टी। तो देखिए मेरा ये क्या है, एम्प्टी फाइल है, इसके अंदर मैं कुछ नहीं लिखा हूं, मैं कुछ नहीं किया हूं मैं, तो ये क्या दिखा रहा है, एम्प्टी फाइल है मेरा। अगर मैंने एमकेडीआर, मैंने क्या कर रहा हूँ टॉम करके मैंने फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं अगर फाइल करके कमांड होती है जिससे आप टॉम, जैसे मैंने टॉम लिखा, तो ये मेरा डायरेक्टरी शो कर रहा है। डायरेक्टरी मीन्स आप ये फोल्डर है, ये आप मतलब डायरेक्टरी फाइल एंड फोल्डर की आप फॉर्मेट चेक कर सकते हैं फाइल कमांड से, इतना आप समझे। आप Here, what is the difference between directory and a folder? Both are same or just OS name culture? Both are same. ठीक है? Okay. So we can say that we are making a folder and directory. Yeah. Making directory. Okay. अब इसमें आप लोगों का क्या होता है कि Tom में क्या होता है कि जैसे directory बनाते हैं हम लोग, directory मतलब जैसे आप लोग विंडोज में आपने पढ़ा होगा, जैसे आपने ट्रेनिंग लिया होगा या तो कमांड प्रॉम्प्ट आपने पढ़ा था, तो उसमें ना जैसे डायरेक्टरी बनाते हैं ना, तो आपको मैं चीज एक बताता हूँ आपको विंडोज के अंदर सपोज। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, अभी दिख नहीं रहा होगा स्क्रीन, तो आपको मैं बताता हूँ सपोज, अभी एक कमांड ओपन करता हूँ, जैसे समझिए कि मैंने एमडी करके मैंने क्या बनाया, जैसे गुप्ता नाम के मैंने डायरेक्टरी बनाया, तो देखिए एमडी मैंने मेरा फाइल में यूजर्स दिनेश गुप्ता के नाम से एक गुप्ता के नाम का फोल्डर बन गया होगा मेरा, आप देखेंगे तो। मैं आपको ना बताता हूँ, मैं जैसे मैंने यूजर्स गया, दिनेश गया, तो देखिए ये दिनेश जी, हाँ जी दिनेश जी, लिंक क्रिएट कर लीजिए, टाइम ओवर होने वाला है। ठीक है, आप उसी पे लिंक कर सकते हैं ना, तो मैं दोबारा आपको मैं भेज सकता हूँ। वो नितिन उसी पे कनेक्ट हो जाएंगे ना? हाँ, अब करके देखिए ना, अगर नहीं होता मैं है वो, मैं दोबारा 5 मिनट 2 मिनट का ले करके शेड्यूल कोई नहीं दोबारा कर उसी पे कनेक्ट हो जाएंगे, उसी पे कनेक्ट हो जाएंगे जी। अभी जिसने ये डायरेक्टरी का क्वेश्चन किया था, ये समझ गए कि गुप्ता नाम का मैं फोल्डर होता है, जैसे यहाँ पे विंडोज के अंदर दिख रहा होगा आप लोग को, है ना? अंडरस्टूड। ओके, तो ये गुप्ता नाम का फोल्डर होता है, तो आप देख सकते हैं विंडोज के अंदर। ठीक है, चलिए मैं ना 1 मिनट लेस टाइम हो रहा है, तो थोड़ा सा शायद मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, मतलब कि आप लोग के लिए।